नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नागपंचमी 2024, नागपंचमी के दिन कर लो बस ये एक काम, कुंडली में राहु केतु हो जाएंगे बेअसर। नागपंचमी 2024, नागपंचमी का त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। इस साल सावन शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाने वाली नागपंचमी 9 अगस्त को होगी। नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि कुंडली में काल सर्प दोष आदि भी इस दिन की गई पूजा से दूर किए जा सकते हैं। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर प्रदुमन सूरी के अनुसार नाग देवता की पूजा से सांपों के कारण होने वाले अनिष्ट का भय समाप्त होता है। साथ ही जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु बार बार अनिष्ट कर रहे हैं तो नाग देवता को मनाने से इस पर रोक लग जाएगी। प्रदोष काल पूजा के लिए सबसे शुभ समय। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर प्रदुमन सूरी के अनुसार प्रदोष काल में नाग देवता की पूजा करना सही रहता है। विशेष पूजा के लिए दोपहर 12:30 से 1 बजे तक का समय शुभ रहेगा। प्रदोष काल में पूजा नहीं कर पाए तो किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। इस दिन का महत्व। हिंदू धर्म में सांपों को नाग देवताओं के रूप में पूजनीय माना जाता है। सनातन धर्म में भगवान विष्णु के शेष नाग से लेकर शिव जी के गले में पड़े नाग तक सांपों का विशेष महत्व है। सांपों के लिए की गई पूजा नाग देवताओं तक पहुंचती है। मान्यता है कि जिस घर में नाग पंचमी पर नागों की पूजा की जाती है उस घर में सांप डसने से मौत नहीं होती है। नाग पंचमी को लेकर कई कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। नागों के योगदान को याद करने के लिए नाग पंचमी पर्व मनाया जाने लगा। श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में खतरनाक कालिया नाग से लोगों की जान बचाई थी। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार कालांतर में अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र जन्मजय इस बात पर क्रोधित हुए कि उनके पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।